केंद्र में दोबारा सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी एक्शन में दिख रही है। मोदी सरकार दो में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। तीन तलाक और धारा 370 हटने के बाद लोगों की बीजेपी से उम्मीदें और बढ़ गयी। जनता को बीजेपी से राम मंदिर निर्माण की उम्मीद है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या से संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। संतों को उम्मीद है कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। हम चाहते हैं कि जिस साहस के साथ और वहाँ का धारा 300 हटाए उसी तर्ज पर मैं आशा करता हूँ कि राम जन्मभूमि की समस्या समाधान करें, जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा करें, अध्यादेश ला करके कानून बना दें जिससे कि राम मंदिर का भी निर्माण हो। आप जो है राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लावें और लोकसभा में ऑर्डिनेंस लावें और पारित करा करके अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण करावें। वहीं दूसरी ओर लखनऊ से भी राम मंदिर को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के अटैकिंग मोड को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर बनेगा। बिल्कुल उम्मीद दिखती है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है उस हिसाब से तो बिल्कुल उम्मीद है कि राम मंदिर तय है बनना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस प्रकार से राम मंदिर जो है वो जल्दी बनेगा और अपने अयोध्या में निर्माण करेगा जल्दी जल्दी। पूरी उम्मीद है, राम मंदिर बनने की पूरी उम्मीद है और बनेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर पर मध्यस्थता नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर क्या फैसला आता है और इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।